रियासी में एक मामला सामने आया है जिसके बाद हर कोई चौंक गया है। आपको बता दें कि बीएमओ रियासी डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान जो हैं, जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर फेक नंबर लगा है, और जब उन्हें खुद इस बात की जानकारी हुई कि उनकी गाड़ी पर फेक नंबर है तो वह हक्के बक्के रह गए। पूरे मामले की बात करें तो जिला झांसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक स्विफ्ट कार मोटरसाइकिल का नंबर इस्तेमाल में लाकर धड़ल्ले से चल रही है और सरकारी खजाने से पैसा निकलवा रही थी। आपको बता दें कि इस पूरी खोज में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दंडाली जो है वो सामने आ रही है। एआरटीओ कार्यालय राशि से दस्तावेज निकलवाए गए हैं, यानी कि वहां पर कुछ पैसे चढ़वाने के बाद जो है दस्तावेज निकलवाए गए, और फिर उक्त नंबर की गाड़ी से पता चला कि असली में ये दस्तावेज जो हैं वो टू व्हीलर के हैं, यानी कि एक मोटरसाइकिल के हैं जिसका इस्तेमाल जो है स्विफ्ट कार पर किया जा रहा था, और वही कार जो है आपको बता दें कि अटैच बीएमओ रियासी के साथ चल रही थी। जब पूरी टीम ने इसको लेकर ट्रैफिक अधिकारियों को कॉल किया तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए गाड़ी को सीज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पर एक चौंकाने वाला मामला है कि अगर इस तरीके से धड़ल्ले से दंडाली चल रही है तो ऐसी कितनी गाड़ियां होंगी जिन पर फेक नंबर प्लेट लगाकर चलाया जा रहा होगा। अब देखना ये होगा कि इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से कदम उठाए जाते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आरटीओ दफ्तरों में भी किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। गाड़ी का नंबर है स्विफ्ट को जो लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो एक्चुअल में ई मशीन में चेक करने पर पता चला कि किसी मोटरसाइकिल का नंबर है, ये तो मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर एंड वो पूरा रिफ्लेक्ट हो गया उसमें। जब इसको हमने चेक किया तो इस नंबर के ये तो मतलब उसका मोटरसाइकिल का नंबर इस गाड़ी पे लग के चल रहा था। फिर इसके डॉक्यूमेंट्स जब चेक किया एज पर चेसिस नंबर और वो, तो ये गाड़ी किसी मोहम्मद रफीक सानह बरकत अली जो रेजिडेंट ऑफ अगार जीतू हैं उनके नाम पर है। उन्होंने थ्रू टेंडरिंग ये इनके साथ बीएमओ साहब ने हायर की हुई है, ये हायर्ड गाड़ी है तो आजकल बीएमओ साहब यूज़ कर रहे हैं। सर ये सर जो ये टेंडर से हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो पैसे इसको गवर्नमेंट के जाते होंगे। अब इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? इसको हम एज पर जो हम तो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, हमने इसको सीज करना है इस गाड़ी को एज पर ला, और सीज करने के बाद हमने डॉकेट लिख के एक इन्फॉर्मेशन देनी है कंसर्न पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट करें। कहाँ चूक आप मानते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हुई होगी, इसको पहचानने में कहाँ चूक कहाँ हुई है? ये जब टेंडरिंग होती है उस टाइम इन्होंने वेरीफाई करना चाहिए था कि डॉक्यूमेंट्स जो है और जो आदमी है वहाँ पे वो एक्चुअल में रजिस्टर्ड है या नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके चेक करने के बाद ही ये हायर करनी चाहिए। हम दिखा रहे हैं सर, होगा नहीं कहते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली आपका सीरियस व्यू लूंगा, आज ही व्यू लूंगा। अगर आपने ये कहा ये फेक होगा, डेफिनेटली होगा, हम नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे पास वो इंश्योरेंस वगैरह ये वो करा के उसने दिए हुए पेपर्स, तो अगर ऐसा कुछ होगा आई विल टेक ए सीरियस व्यू और आज ही डिसकंटिन्यू करूंगा अगर आपकी। रियासी से करणदीप सिंह की रिपोर्ट।